अच्छा फिर उसकी दीदी ने बोला रहा वो जमा लो। अच्छा ये किसकी है? इकबाल नाम से जी जी वो भी इसकी बता रहे थी। अच्छा ये भाई आपका सदर निवास है। अच्छा अच्छा बीच में है। हाँ ये परली तरफ से दरिया है। अच्छा हम नहीं छोड़ेंगे सखर का ये रोड़ी पुल है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। रोड़ी का पुल है इसकी पुल की अपनी एक हिस्ट्री है। नीचे सद्दीन रहमतुल्लाह का मज़ार है। बारिश हो रही है शदीद तेज़ और ये आगस्ताने मनाजर हैं। ख़वातीन हज़रात आप देख सकते हैं हमारे दोस्त हैं शमसुद्दीन साहब साथ हैं। पिछले 48 घंटे से हमारे साथ ही हैं गाड़ी चला रहे हैं। नहीं छोड़ेंगे मेरे ख्याल में। अच्छा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये हमारे दोस्त हैं शमसुद्दीन साहब माशाल्लाह। ये हमें बताएंगे थोड़ी सी हिस्ट्री इस दरबार के बारे में जो बुज़ुर्ग हैं सदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह कि सर इनकी क्या हिस्ट्री है। इंडिया के आमन सोना जब जहाज बम फेंक रहे थे तो कोई हिस्ट्री थोड़ी सी बताएं हमारे नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम। हमें तो आप बहुत खुशी है अब यहाँ पे सखर में अरोड़ी में सर दरिया के बीच में इमरान भाई आए हैं पिंडी से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अब ये पहले जंगे लगती थी इंडिया और पाकिस्तान की ये सदरुद्दीन बादशाह के लिए लोग बोलते हैं बहुत। जब इंडिया वाले यहाँ पे बम फेंकते थे रोड़ी पुल पे तो इंडिया वाले पायलट बोलते थे ये इधर कोई बुजुर्ग है उसका सफ़ेद पोस्ट बंदा है कोई कैच कर लेता है बमों को कैच करके दरिया में फेंकते हैं पानी में। इसकी पुरानी हिस्ट्री जो भी ये अपना मेला लगता है पहले पंजाब से या दूसरों सूबों से लोग आते हैं पहले सदरुद्दीन बादशाह के बाज़ार पे आते हैं उसका मेला लगता है फिर उधर कलंदर लाल शहबाज पे जाते हैं। अच्छा, और एक मैं आपको बड़ी बात बताऊं जब शहबाज कलंदर इधर से ऊपर से परवाज करके जा रहा था यहाँ से सदरुद्दीन बादशाह ने उसको उतार के 40 दिन उसने अपने कुएं पे उसने मटियाँ भरवाई थी। अच्छा पानी की। अच्छा फिर 40 दिन वो अपना चिल्ला पका कर फिर कलंदर शहबाज से परवाज करके उधर कलंदर जाकर करा। अच्छा ये इनकी हिस्ट्री है माशाल्लाह। कि हम इधर मौजूद है और 1965 की जंग में ये बमों का जो पैसे। अच्छा सही। ये वैसे गुजर गए अल्लाह के प्यारे हैं इन्होंने अपनी मेहनत मतलब जब वो इंडिया के जहाज बम फेंकते थे हाँ ये कैच करते थे कैच। अच्छा माशाल्लाह ये बड़ी बहुत ये रोड़ी पुल बिल्कुल इसके साथ ही ये दरबार मौजूद है। बारिश हो रही है शदीद किस्म की और पानी से हम लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं जगह पानी है लेकिन हमें इसका लुत्फ आता है इन्जॉय लाइफ को करना चाहिए सर। शदीद गर्मी थी आज और मुझे था कि बारिश होगी 14-15 दिन के बाद यहाँ बारिश हुई। यादगार सफ़र हो गया आपके साथ जिम बरसात में सही वैसे घुमाना जी हाँ। हाँ दो मुख्तलिफ तलीम इदारों में हमने लेक्चर दिए हैं और बच्चों को मोटिवेट किया है। चला तो तीन में है लेकिन दो में आप लेने गए जी हाँ। स्टूडेंट्स ये है कि मेहनत करें आप लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट सखर के हैं सिंध के हैं रोड़ी के हैं मेहनत करें नेमत मेहनत करेंगे तो मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है। अपनी तवज्जो फोकस मुकम्मल आप इस पे रखें कि आपने मेहनत करनी है दिन रात एक करना है इंशाल्लाह। मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात भी राज़ी होगी और पुरखरू भी होंगे आप और इस वक्त प्यारे वतन पाकिस्तान की खिदमत भी होगी। ये रोड़ी का पुल है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। इस पुल की अपनी एक हिस्ट्री है बड़ा खूबसूरत है। देखें रोड़ी और सखर दोनों
साथ साथ हैं, जैसे रावलपिंडी और जोड़वा शहर हैं, पिंडी और इस्लामाबाद जैसे जोड़वा शहर हैं, सलाम रोड़ी और सखा दोनों जोड़वा शहर हैं। यहाँ से पन्नवा कल देखो 30 किलोमीटर का फासला है, 35 किलोमीटर का, और उससे आगे जो गोटकी है वो आगे मजीद 30-35 किलोमीटर लगते हैं। तो गोटकी यहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर का फासला है। पनवाकल सेंटर में आता है सक्कर और गोटकी के, गोटकी कॉलेज का भी हमने विज़िट किया है, बहुत बड़ा कॉलेज माशाल्लाह, और बड़ी खुशी हुई कॉलेज की मस्जिद देख के, बहुत खूबसूरत बड़ी मस्जिद, खुले खुले वसी इनके मैदान हैं गढ़गल गोटकी के। और क्लास 6 में बच्चे जाते हैं सर गढ़गल गोटकी में, क्लास 6 से शुरू हो जाते हैं, 12वीं क्लास तक यहाँ पढ़ते हैं, बोर्डिंग इंस्टीट्यूशन है ये। शमसुद्दीन साहब के बेटे भी माशाल्लाह वहाँ तलीम हासिल कर रहे हैं, एक बच्चे ने तो पास आउट कर लिया वहाँ से गढ़गल गोटकी से, क्लास 6 में गया था वो, और एक इनका बेटा जमशेर है जो भी वहाँ ज़र तलीम है। बच्चों से ही मिले हैं, मुलाकात की कैडेट से, हमें एक डिसिप्लिन नज़र आता है, और ये पता चलता है कि वाकई अच्छे तलीमी इदारे में बच्चे तरबियत हासिल कर रहे हैं।